नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि भाई जो हरियाणा पुलिस के दो जवान जो शहीद हुए थे, आप दो चार दिन पहले जो मामला था पूरा, बल्कि कल हरियाणा पुलिस ने जो बुटाना गांव की दो लड़कियां हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। आज हमारी टीम यहाँ जो रविंद्र हरियाणा पुलिस के जो जवान थे और जिन्होंने अपनी हथेली पर गाड़ी का नंबर लिखा था, भाई सैल्यूट है भाई ने भी, क्योंकि आखिरी वक्त भी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या अगर भाई लास्ट का एक एक सांस बच रहा था उस टाइम पर भी सुराग छोड़ दिया भाई, सबूत छोड़ दिया भाई, ये गाड़ी का नंबर लिख करके दिखा दिया भाई, हाँ हिम्मत है तो लास्ट में भी कुछ भी कर सका है। अंकल नमस्कार। नमस्कार भाई। तो भाई हैं रविंद्र जी के पिताजी हैं, और पता चला भाई आकर के भाई जो रविंद्र की माँ थी वह भी लगभग 10-12 साल पहले, क्या साल हो गया अंकल, 14 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। तो अंकल भाई शहीद हो गया, तो सरकार की तरफ तो जैसे बार बार कहा भेजा रहा भाई नू कर देंगे, इतना में लगा शहीद का दर्जा मिल गया, क्या आश्वासन मिल रहा प्रशासन की तरफ से, आपको क्या बातचीत आ रही है? प्रशासन की तरफ से सही बोला कि कोई शासन नहीं मिला अपन, इसके बारे में कोई मान्य घोषणा मिल जाए मार दौर तो कोई नहीं आया, तो मुझे देखो प्रशासन क्या करेगा। तो भाई आप देख सको यार, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमें कई बार अखबारों की जो सुर्खियां हुआ है, न्यूज़ चैनल की जो हेडलाइन हुआ है उस पर बार बार खबर आवा है कि शहीद का दर्जा मिल गया और 60 लाख रुपए की घोषणा होगी, एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये बातचीत कई बार क्या हुआ है, आम जनता हुआ या पूरे हरियाणा की जो हरियाणावासी जितने वो बार बार एक बात सोच है अगर भाई मिल गया होगा, क्योंकि जब अखबारों की सुर्खियाँ में जब यह चीज़ आवा है तो वो ये लावा है भाई मिले गया होगा, क्योंकि आम जनता ना हरियाणा वासियां ना क्या पता, जब ग्राउंड पर जाकर पता चला है तो सच्चाई में कुछ हो वह दिखावा कुछ हो वह है। मंत्री भी बड़े बड़े तो भाषण देते हैं भाई 1 करोड़ दे देंगे नू कर देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब उस परिवार को, जिस परिवार का आदमी चला जा है, जिस परिवार का नौजवान लड़का लगभग 20 से 25 साल की जिसकी उम्र होगी वो चला जा है, तो उस परिवार ने भी रहा भाई उस परिवार के ऊपर के बीत है ना, तो नू कहीं बोता वह है अगर भाई हम तारा गेल हाँ हम नू हाँ, लेकिन सही तो उस परिवार ने बेरा पटा जिस परिवार का मानस चला जावा है। क्यों जी ताऊ जी? बिल्कुल जायज बात है भाई, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटे बेटे को सरकारी नौकरी दिलवाई जाए और उसके नाम से कोई स्टेडियम या पार्क जिसे उसकी यादगार ताज़ा रहे और परिवार को उन सामने नज़र आए वह हमारा बेटा बहादुर बेटा था और वो इस काम के लिए शहीद हुआ था। बिल्कुल अंकल, देखो पूरा हरियाणा ने गर्व है क्योंकि जिस टाइम पर शहीद हुए ना उससे मतलब अगला दिन पूरे हरियाणा ने ये सोचा भाई क्या बात होगी, मतलब लेखो हरियाणा पुलिस ने भी सैल्यूट है, देखो अगले दिन इनकाउंटर कर दिया, शाम तक लगभग 10-12 घंटे बाद वो हो गया। अंकल इस चीज़ की भी तो थोड़ा अनुसंतुष्टि मिलती होगी भाग, उसके जो अपराध है कई बार क्या हुआ है भाई आदमी भी चला जाओ है लेकिन वो भी नहीं बेरा पटता भाई अपराधी कौन था कौन नहीं, इस चीज़ का तो थोड़ा अनु होगा भाई हरियाणा पुलिस के ऊपर करो संतुष्ट हुए हैं, हमने कुछ थोड़ी शांति मिली इसके। तो भाई आप कितनी के पढ़ाई कर रहे हो भाई? मैंने प्लस टू के एग्जाम इसी साल दिए हैं। तो अब अंकल क्या है आपकी मांग भाई? एक तो मान ले भाई ने एक तो भाई ने नौकरी मिल जाओ, एक मेरे बच्चे का मतलब कोई पार्क है या स्टेडियम है मतलब उसके नाम से मतलब कोई इसी चीज बनाई जाओ, मतलब सदा के लिए याद रहेगा, सदा के लिए याद रहेगा। बिल्कुल आप क्या कहोगे? बस यही हमारा है जो भाई ने बताया, भाई हमारे छोटे बेटे को सरकारी नौकरी दिलवाई जाए और उसके नाम से कोई ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा याद रहे। कितने दिन हो गए थे अंकल नौकरी लगे हो भाई ने? तीन साल। तो इसके अलावा मतलब आप क्या खेती बाड़ी है गौर के है, मतलब अब कैसे क्या गुजारा बकरी का? मामूली खेती है भाई। अच्छा, इसी परिवार सारा इसी पर निर्भर था। तीन बुआ है, दो बाण है, मतलब दोनों भाई इकट्ठे रहा, दादा है। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से आदमी एक है कुमार नाला और पेट उसके पास 6-10 थे, ये भाई इनका पालन पोषण तो देखो एक आदमी था उस पर निर्भर था सारा सौदा, अब तो सारा सौदा गड़बड़ाया गया है उसके जाए पाछ है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी आगे घरों का नू थम जाएगा, उसमें फर्क पड़ा है फिर बात में, ये भी हो भाई छोटा उस तो नौकरी मिल जाए तो नू का नू घर समझ जाएगा, जुगरिया मेरी बहन है यहाँ ब्याह भी नहीं है, बीबी ने ब्याह भी करने इनके सारा सौदा इब तो कुछ भी नहीं है, इब तो स्टार्टिंग की लाइफ। कितने भाई बहन हैं? यह भाई तीन भाई हैं और तीन हैं टोटल और एक लड़की है। अच्छा, बेबे का ब्याह
ना भाई बदो कुछ नहीं होला था, बस तैयारी थी नू अपने लग गया था नौकरी घर घर बना था, घर में लाए थोड़े घने जीछे भी थे जुगर, ये भी घर भी उसके जाए पाचा भाई याद रह गया कोई घेरा होगा। बिल्कुल, तो भैया ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी हरियाणा सरकार से और हरियाणा पुलिस से बार बार निवेदन है कि जो शहीद का दर्जा दिया गया है और जो बार बार अखबारों की सुर्खियों में जो बात लिखी है भाई 60 लाख रुपये एक सरकारी नौकरी दी जाओगी, तो भाई ग्राउंड लेवल पर एक बार आकर के परिवार से मिलो और जो कार्य करना है उसको जल्द से जल्द करो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है बाद में फिर कानूनी प्रक्रिया के ऊपर भी और जो मंत्रियों के बड़े बड़े बयान होते हैं उसके ऊपर तो भाषणबाजी होती है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लिपापोती चलती है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है और यह बार बार परिवार भी आप देख सकते हो भाई, दो भाई हैं एक बेबे है, जो बेबे है वो बयान की भी हो रही है, अभी जो पैसे थे मकान बनाया है और जो गुजारा बख्शी का था मैन बात की थी एक परिवार नाश थी रविंदर तय, क्योंकि आज के टाइम पर सरकारी नौकरी लगना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत संघर्ष और बहुत मुश्किलों से गुजर करके तो एक नौकरी मिला है, क्योंकि सरकारी नौकरी चली गई और फिर घर तक आदमी चला गया तो उन्होंने मान लो उस घर में कितना दुख होगा वो चीज़, तो ये परिवार इस टाइम पर बैठा जो इन्हें पता है कि बात हो रही है पूरा पूरा। तो आप बुआ जी उनके? अच्छा जी, चलो भाई ठीक है अंकल जी, और कोई आपका निवेदन जी हरियाणा सरकार से कोई अपील? यही अपील है भाई, हमारे बच्चे को नौकरी जरूर से जरूर दिलवाई जाए और आर्थिक सहायता जो देनी सरकार ने वो जल्दी दिलाई जाए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।